हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका बताने वाला हूँ कि आप ब्लू स्टैक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, ब्लू स्टैक इज स्टॉप वर्किंग एंड ब्लू स्टैक इंजन कुड नॉट स्टार्ट, ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो यार, सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं। और यार, जो पहला वाला और सेकेंड वाला प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन एक ही है। बस यार, तीसरा वाला है उसका सोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, तो उसे हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तीसरे वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यार, वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये जो तीसरा वाला प्रॉब्लम का सलूशन है यार, ये मैं पहले दूसरे में ही बता दूंगा, तीसरे वाले में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए यार वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। अब यार रीजन की बात करते हैं। तो यार, जो आपका ब्लू स्टैक है, या तो बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है, या तो यार उसे बराबर तरीके से रैम नहीं मिल रहा है जितने उसे रैम की जरूरत है, या फिर आपके सिस्टम में वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो यार, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यार, जो पहला और दूसरा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपका क्या करना है, अपना ब्लू स्टैक अनस्टॉल करना है। अनस्टॉल करने के बाद यार, आपके ब्लू स्टैक को फिर से रीइंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लू स्टैक काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलेगा। सेकंड क्या है कि अगर आप यार लैपटॉप में हैं, तो आपको अपना बैटरी सेवर मोड ऑफ रखना है, क्योंकि यार बैटरी सेवर मोड ऑन रखेंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, और जिससे यार आपके ब्लू स्टैक में भी इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको अपने ब्लू स्टैक को ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है और ऐसा कंपेटिबिलिटी मोड में रन करना है। ये कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको अपने ब्लू स्टैक को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है ब्लू स्टैक में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी में यहाँ पे रन दिस प्रोग्रामिंग कंपेटिबिलिटी मोड 4, इस चीज़ में टिक करना है, अप्लाई और ओके कर देना है। इसके बाद आपको अपने ब्लू स्टैक में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस चीज़ में क्लिक करना है। जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे यस करना है आपको और आपका ब्लू स्टैक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यार, इस तरीके से आप ये दो सेटिंग करिए और अपने ब्लू स्टैक को रन करिए। तो यार, ये चीज़ आपको तब करना है जब आप ब्लू स्टैक को रीइंस्टॉल कर लेंगे। अब यार, फोर्थ स्टेप उन लोग के लिए है जिसका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यार फोर्थ स्टेप यार कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको नया ब्लू स्टैक डाउनलोड करना पड़ेगा। जो नया ब्लू स्टैक है, न्यू वर्जन ऑफ ब्लू स्टैक, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है लो एंड पीसी के लिए। अगर आपका लो एंड पीसी है, आपका रैम कम है, आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, तो आपको न्यू ब्लू स्टैक यूज़ करना चाहिए। न्यू ब्लू स्टैक यानी ब्लू स्टैक 5। यार ब्लू स्टैक 5 बीटा वर्जन है यार, 40% लेस रैम कंज्यूम करता है और यार लेस सीपीयू भी कंज्यूम करता है, तो आपका काफ़ी फाइन चलेगा। तो आपको ब्लू स्टैक 5 में स्विच कर लेना चाहिए अगर आपका लो एंड पीसी है। तो यार, आप मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर। तो यार, अगर आपका सेकंड प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ रहा है कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यार इसका सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैंने यार पहले प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बता रखा है, उसे पहले यार आप फॉलो कर लें, ठीक है, उसे सारे को आप कंप्लीट कर लें। तो यार, इसके बाद भी आपका ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको अपना ब्लू स्टैक ओपन करना है। तो यार, आपको अपना ब्लू स्टैक ओपन करना है। ब्लू स्टैक ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको जो ग्राफिक्स रेंडर है, ये ओपन जीएल होगा आपका, तो इसको डायरेक्ट एक्स कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो रैम है यार, ये जो रैम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, ताकि यार आपका सिस्टम ऐसा प्रॉब्लम ना दे। तो यार, ये सेटिंग हो गया आपका। अब यार, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यार कंपेटिबिलिटी मोड 4, तो ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता रखी, तो आप यार उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपके एंटीवायरस को स्टॉप करना है, ठीक है, स्टॉप योर एंटीवायरस। यार, अगर आपने कोई एक्सटर्नल एंटीवायरस लगा रखा है, जैसे क्विक हील या फिर कोई भी एंटीवायरस, तो यार उस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए। तो यार, एंटीवायरस से आपका जो ब्लू स्टैक है, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होता है और यार काफ़ी स्लो चलता है। तो गाइस, आई होप यार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर यार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो यार प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यार, इससे मुझे पता चल गया कि रियली में यार वीडियो हेल्पफुल रही। और यार, ये वीडियो अगर सच में हेल्पफुल है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।